बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अनसरवान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके साथ हाज़िर हूं जी एक नई वीडियो के साथ। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ब्रेडफोर्ड में स्नोफॉलिंग का सीज़न है, स्नोफॉल हो चुकी है, 10 मार्च का दिन है और सुबह का टाइम है। ये रात को स्नो हुई है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जी आगे चलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और देख सकते हैं आप गाड़ियों पे माशाल्लाह काफ़ी स्नो पड़ी हुई है और इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है वो सब रुकी हुई है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है स्नो की वजह से। पोल आज बंद हो चुके हैं, कुछ लोग निकले हैं घरों से बाहर अभी और तैयारी कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को साफ कर रहे हैं। और ये बच्चे माशाल्लाह गलियों में खेल भी रहे हैं, स्नोबॉलिंग हो रही है। इस साइड का भी आपके साथ शेयर करते हैं माशाल्लाह। इस पहली ये देखें ट्री कितना खूबसूरत लग रहा है जी स्नो की वजह से। और फिर थोड़ा आगे चलते हैं, पास मेरे जो है बिल्कुल वो देखें बच्चे जो है खेल रहे हैं, स्नो बॉलिंग कर रहे हैं। चल थोड़ा आगे चलते हैं जी। फिर एक्चुअली मैंने दस्ताने भी नहीं पहने, मैं ऐसे ही निकल आया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। बस मैं ऐसे ही निकला हूँ बाहर, तो अभी मेरे हाथ जो है बिल्कुल फ्रोज़न हो चुके हैं, मुझे दस्ताने पहने चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। इस वेदर को देख के मुझे यूँ लग रहा है, बल्कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं नहीं बदला, मौसम बदल गया है भाई, मैं नहीं बदला, मौसम बदल गया है। वो एक गाना भी है बिल्कुल सेम इसी तरह का कि मैं नहीं बदला, मौसम बदल गया, तो वो बिल्कुल इस वेदर के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। नहीं जी हम आ चुके हैं मेन रोड पे, जल्दी से हम बाहर निकल आए हैं। ये मेन रोड है जी, BD9 की, हाँ यस BD9 है ये, और BD9 की ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जंगल ग्रिल है, फिर आगे महमूद की शॉप है। ओह माय गॉड, चलें आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें जंगल ग्रिल है ये, और ये महमूद है, और आगे कुछ शॉपें हैं, और ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है, ये लस्टर मिल है, इसका मीनार है ये। और लस्टर मिल इस वक्त तो मिल नहीं है, वहाँ पे अपार्टमेंट बन चुके हैं, लेकिन किसी टाइम पे बहुत बड़ी मिल थी ये, टेक्सटाइल मिल थी ये किसी टाइम पे। रोड सुनसान है बिल्कुल, ट्रैफिक बहुत कम है, क्योंकि जब स्नो होती है तो ट्रैफिक बिल्कुल तकरीबन बंद हो जाती है। बहुत ज़रूरी काम हो तो लोग गाड़ियाँ बाहर निकालते हैं, वरना घरों में बैठ के वेदर को एंजॉय करते हैं। ये आ गया जी फ्रेशको, फ्रेशको स्टोर है यहाँ पे हमारे बिल्कुल नज़दीक, और सामने आपको नज़र आ रहा होगा खाना पीना सुपर मार्केट, बिल्कुल वो सामने खाना पीना सुपर मार्केट है। ये देखिए ऊपर से आपको सीन एक शेयर करते हैं आपके साथ, और स्नो अभी स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की।
हाँ ये देखो गलियां बिल्कुल सुनसान हैं, बहुत कम लोग हैं आपको नज़र आ रहे हैं। और ये खाना पीना की शॉप में मार्केट भी है, वहाँ से शेयर कर रहा हूँ। इसका स्टोर भी खुलने लगा है, दरवाज़ा खुल गया है, स्टाफ आ चुका है मेरे ख्याल। चलिए आप चलते हैं वापस, आज इस साइड का सीन आपके साथ शेयर करते हैं। स्नो में जो है स्पेशली जब भी बाहर निकलें प्रॉपर ड्रेसिंग करें और अपने बूट और ओवरकोट वगैरह जो है वो लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इस वक्त की जो ठंड है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। क्योंकि हम लोगों ने तो वैसे ही जो है इस वक्त जो गर्म कपड़े थे तकरीबन क्लोज कर दिए थे, लेकिन आज फिर हमें निकालने पड़ गए हैं। आस्ता आस्ता ट्रैफिक चलना शुरू हुई है, गाड़ियों पर देखें माशाल्लाह काफ़ी स्नो पड़ चुकी है जी यहाँ पर, और आज लगता यही है कि मुझे भी छुट्टी करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी चेयर आना शुरू हो चुकी है, अभी विंडी भी है और विंड की वजह से लाइन आ रही है, गुजर जाएगा फिर मैं ही गुजरूँगा। ऐसा आप देख सकते हैं नारी बड़ी स्लोली स्लोली बड़ी एहतियात है, ये देखें क्योंकि सुनो हमें गाड़ियों को बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है। स्पेशली स्नो में जो है ना अपने बूट आपके स्नो बूट होने चाहिए, ताकि आप अगर बाहर निकलते हैं आपको आप स्लिप ना हो सकें। आपके साथ सारा सीन शेयर कर दिया मैंने आज, और अभी आगे भी चलेंगे जहाँ जहाँ टाइम लेंगे फिर आपके शेयर करते जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट है और स्नो हटा ली है, और ये भी देखें एक चीज़ मैं और भी बता दूँगा आपको, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी को निकालने से पहले स्नो ज़रूर हटा लें। अगर स्नो नहीं हटाएंगे और इसी तरह गाड़ी को रोड पे ले जाएंगे तो अगर आपको पुलिस मिल जाएगी तो फिर आपके लिए जो होते हैं फ़ाइन भी होगा और पॉइंट भी मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि अगर गाड़ी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है तो स्नो को पहले हटा लें और फिर अपनी गाड़ी को बाहर ले कर जाएंगे, ताकि आप ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी ना कर सकें और आप पे फाइन ना हो और आपके लाइसेंस पे पॉइंट ना लगें। क्योंकि लाइसेंस पे अगर पॉइंट लग जाएंगे तो फिर आपकी हिस्ट्री में भी वो शो होते हैं जी। तो इसलिए बेहतर यही है कि एहतियात करें, जितनी एहतियात हो सके इतना ही बेहतर है। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ जी। बसें चल रही हैं, देखा बस अपनी चलती है यहाँ पे, ये बड़ी क्वालिटी होती है यहाँ पे, वेदर कैसा भी हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होती जी। ये कितना खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है जी आपको, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सीन लग रहा है मुझे तो। है ना खूबसूरत सीन, और वो पहले मैंने आपको लेस्टर मिल दिखाई थी और अब मैं पहुंच चुका हूँ लेस्टर पार्क में, पार्क के बिल्कुल सामने हूँ। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं
लेस्टर पार्क स्नो में कितना खूबसूरत लगता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरा देख रहे हैं फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये देखें जी, ये है लेस्टर पार्क है, और ये सर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सीन यहाँ के भी जो कि मेरे हाथ से है इस वक्त बिल्कुल सुन हो चुके हैं, और चलो ये सीन आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ से। ये है ना खूबसूरत सीन, माशाल्लाह खुदा की बनाई हुई हर चीज़ खूबियों से भरपूर है, खूबसूरत लगती है। और देखें स्नो आई है तो कैसा खूबसूरत हो गया ये मौसम, गाड़ियाँ चल रही हैं जैसे देखें। अब ये जिस तरह ये गाड़ी आ रही है स्नो वाली, सर के ऊपर से स्नो नहीं हटाई, तो ये अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो फिर इसके लिए चलान भी होगा, टिकट भी लगेंगे और पॉइंट भी लगेंगे, फाइन तो होना ही होना है। तो ले जी ये देखें, देख रहे हैं लेस्टर पार्क आ गया। हाँ थोड़ा सा मैं अंदर से भी लेस्टर पार्क का सीन आपको करा देता हूँ। ये देखें इस वक्त लेस्टर पार्क में भी लोग जो हैं माशाल्लाह हवा कर रहे हैं। ये लेस्टर पार्क का जो है, हाँ ये लेस्टर पार्क है, और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं इस वेदर में। और ये बार देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है चल रही है। और थोड़ा सा आगे जाऊँगा, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इतना काफ़ी है। थोड़ा बाहर निकलता हूँ, बाहर की ये इसका मेन गेट है, आउट हो रहे हैं यहाँ से। हाँ ये गाड़ियों के लिए है, और ये वाला जो है पैदल चलने वालों के लिए है, वे आउट। ठीक है जी, देखें ये बड़ी बात होती है। हाँ खूबसूरत सीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह देखें सामने का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी लोग कुछ बाहर निकल आए हैं, और ये देखें ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हुई है यहाँ, क्योंकि मेन रोड है तो मेन रोड पे जा रहा ट्रैफिक है, फिर तो मेन रोड पे ट्रैफिक आपको मिलेगी। गाड़ी आ रही है बड़ी एहतियात से, स्लोली स्लोली मूव कर रही है। देखें इस गाड़ी को जैसे देखें, ये गाड़ियाँ दोनों साफ हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ अगर आप भी गाड़ी बाहर निकालें तो इसी तरह प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ियों को साफ कर लें, ब्रश से ब्रश को हटा लें, और फिर अपनी गाड़ियों को रोड पर लाएँ। हाँ ये मैं स्पेशली बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि किसी को जो है ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में फ़ाइन हो या उनके लाइसेंस पे पॉइंट लगे, क्योंकि ऐसा करना जो है नुकसानदेह है। ये जो है ये एंजॉय कर रहे हैं, ये स्नो को एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली स्नो के दिनों में ऐसी जो पजारो प्राडो और फोर व्हील गाड़ियाँ हैं वो बाहर लोग निकालते हैं, और इसको फिर वेदर को एंजॉय करते हैं। हाँ हेलो जी, हाँ जी बर्फ़ पैगी जी, तुम कहते उसे बर्फ़ नहीं पैंती। हाँ अगे तो मैं उर्दू बोल रहा था, हूँ तो पंजाबी बोलेंगा, पंजाबी बोल के तुम दसागा जी। हाँ दसो जी पंजाबी बोलना चाहिए या उर्दू च, अगर तुम्हें पंजाबी चंगी लगती है मेरी। हेलो जी हेलो, देखा आ गया ना,
बिल्कुल आ गया जी, नमक भी छिड़कने के लिए। हाँ हाँ, नमक नमक वाला ट्रक सी। हाँ, नाले रोडा भी साफ कर रहा है, नाल नाल नमक भी छिड़क रहा जी। हाँ, यह देखो यह होंगी इंतजामिया, हालांकि इतनी ज़्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हों थोड़ा जा भी पता लगेगा जी बर्फ आने वाली है, कि कौंसल के ट्रक जड़े ने और नमक ला के बाहर निकल आते हैं और सड़क पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं ताकि कोई गड्डी स्लिप ना हो। आंदा आवाम का ख्याल, जो तुम टैक्स देंगे हो ना, वो टैक्स इतने इस्तेमाल होता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान हर टैक्स जनाब बड़े बड़े जो वजीर ने वो मदद करते हैं, गरीब आवाम भुखी मर रही होती पाकिस्तान से और कोई पुछता नहीं उन्होंने, और टैक्स इतने जरूर दिता जाता है, लेकिन टैक्स का जो प्रॉपर इस्तेमाल है, यूटिलाइज है, वह सही तरीके ना होंगे। और कौंसल जी होंगी है हर सिटी की, वो इस्तेमाल करती है, कौंसल के अंडर जो पूरा सिटी होंगे उन्हें पता है कि मेरी हदूद से कितने लोग ने, कितने स्कूल चाहिए ने, कितनी ट्रांसपोर्ट चाहिए है और कितनी पुलिस चाहिए। एक कौंसल के अंडर होंगे सारा कुछ। हाँ, हर सिटी की अपनी कौंसल होंगी है, जिस तरह ब्रैडफोर्ड कौंसल है, इस तरह लंदन के अपनी कौंसल होगी, कौंसल का हेड जरा मेयर होंगे, और उन्होंने जनाब कौंसल की जिम्मेदारी है अपनी हदूद के अंदर जितनी भी पब्लिक रही है उन्होंने रिकॉर्ड उन्होंने को मेनटेन होंगे, और उन्होंने पता है कि असी इतने लोगों का बंदोबस्त करना है। साढ़े हर नहीं है पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल हर कि जी अन्ने वा पी है, पब्लिक किसी को पता नहीं है कि भाई कितनी पब्लिक है, कितना अरेंजमेंट करना है। हाँ, बल्कि उन्होंने अरेंजमेंट करना ही नहीं होता, उन्होंने की लोड़ इस चीज़ की। हाँ, उन्होंने मतलब होंगे कि बस टैक्स लो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जहाज भरन अपना 35-40 बंद का, और जनाब मुल्क के दौरे करें। आवाम के टैक्स से जनाब पाकिस्तान की गौरमेंट पलती है, गौरमेंट की अजाशियाँ होंगे ने, तो इस वास्ते मुल्क जरा पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। हाँ, मैं तकरीर काफ़ी कर ली है, तो ज़्यादा तकरीर मेरे ख्याल इतनी ही खत्म करना, तो बाकी इंशाल्लाह फिर थोड़े मैं मेरे ख्याल हम पंजाबी बोला करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मन अच्छी लग रही है पंजाबी बोलने में, काफ़ी अच्छे बाद पंजाबी बोली जी। हाँ, वैसे तो असी इतने आ गए ना, पंजाबी की, उर्दू की, इंग्लिश की, हाँ सारी खिचड़ी बना ली है। हाँ, लेकिन एक चलो पंजाबी पंजाबी है जी, अपनी मदर टंग है। हाँ, है लो जी, तक जी चलो फिर अगर चलने थोड़े ना बाकी वीडियो भी शेयर करने हैं। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, मैं ब्रैडफोर्ड की खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, माशाल्लाह देखें इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिदें ब्रैडफोर्ड में हैं, और बाकी मस्जिद भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो है सिटी सेंटर के पास सामने है द बाज़ार बिल्डिंग नज़र आ रही होगी आपको, उसके बिल्कुल सामने ही ये जो मस्जिद है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कैसी खूबसूरत मस्जिद है, और इसका व्यू मैं आगे से भी कराता हूँ दूसरी साइड से भी आपको। ये माशाल्लाह जो ब्रैडफोर्ड की खूबसूरत मस्जिद है, और ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इस तरह की ब्रैडफोर्ड में काफ़ी और भी मस्जिदें हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मस्जिद जो है बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब है, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जी। सफाई हो रही, आता भाई बर्फ जी साफ कर रहे हो जी, लगे रहो जी माशाल्लाह, गड्डी कढ़नी होगी है, काफ़ी स्नो हो गई इधर, चलो चलो लगे रहो जी माशाल्लाह। और ठंड ठंड तो नहीं लग रही, देखो ना। हाँ, सुनो जी सफाई है जी, गड्डी कड्डी है इन्होंने और लगे नहीं ना माशाल्लाह, सफाई हो रही है। और आते सब ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखियो।